मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। संस्कृत के मंत्र पढ़ते हुए पंडित के सामने हम दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं और अब एक अटूट रिश्ते ने जैसे बंध से कहे, आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी, और मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा स्वामी। मैं सही कह रहा हूं ना? जब साथ जीने और मरने की कसमें खा चुके हैं तो मेरे हिसाब से हम दोनों को अपने बारे में, शादी के पहले की जिंदगी के बारे में एक दूसरे को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे बीच कोई भी गलतफहमी ना हो। मतलब समझ रही हो ना? कैसे समझाऊं? मैं अपनी प्रेमिकाओं के बारे में बताऊंगा, और तुमने अगर पहले किसी से मोहब्बत की है तो उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दो। हम दोनों के बीच कोई भी राज नहीं होना चाहिए। सारे दरवाजे खोल दो, सारे पर्दे उठा दो। शुरुआत मैं करता हूं। शादी से पहले मैं दो बार प्यार कर चुका हूं। पहली वाली का नाम था मृदुला, मृदुला गर्ग। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते थे, और कई बार तो मेरे हॉस्टल के रूम में हम दोनों ने चुम्मा चाटी भी की थी। मैं कहता, मृदुला माय लव, वो कहती, मैं था मेरे शेर, और फिर एक दूसरे का आधा आधा घंटे तक चुंबन लेते, सिर्फ सांस लेने के लिए रुकते और फिर से किस। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके ब्लाउज के अंदर अपना हाथ डाला। चुंबन रोके बगैर उसने मेरा हाथ चटक दिया। मैंने फिर से अपना हाथ चटा, चुंबन तोड़कर उसने जोर से मुझे चांटा मार दिया और फिर बोली, कितने कमीने हरामखोर, और वो चली गई। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। मैं जानता हूं तुम्हें यह सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे बोलने दो। सारे दरवाजे खोलने दो, सारे पर्दे उठाने दो, उसके बाद गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मतलब समझ रही हो ना? दूसरी वाले का नाम था शकु, शकुंतला कुलकर्णी, एरोस्टेस थी। उसके ब्लाउज में जब मैंने हाथ डाला तो उसने चांटा नहीं मारा, और फिर तुम समझ सकती हो उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ 8 बार सोए, 8 बार। उसके बाद उसकी शादी हो गई किसी पायलट के साथ। उसने इनविटेशन कार्ड भी भेजा था मगर मैं नहीं गया। इन दोनों के अलावा मैंने कभी भी को छुआ नहीं, और तुमसे शादी के बाद किसी और लड़की के बारे में सोचूंगा तक नहीं। समझ रही हो ना? थैंक्स। अब तो मुझे अपने बारे में बताओ। बताओ ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। शादी से पहले हर लड़की किसी ना किसी से प्यार करती है। तुमने भी मोहब्बत की होगी। सो व्हाट? बताओ, बताओ ना, बताओ। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं जानता था। मगर मैं दूसरे मर्दों के साथ संभोग कर चुकी हूँ, कई मर्दों के साथ। सबसे पहले वाला था मेरे दादी का चपरासी, तब मैं 13 बरस की थी। दूसरा वाला था चपरासी का दोस्त, तीसरा शायद पड़ोसी का बेटा था। हाँ, पड़ोसी का बेटा ही तो था, निकी पटेल, और फिर निकी के पापा चंकी पटेल। हाय हाय, मुझे तो नाम भी याद नहीं, काफी थे। जब 20 की हुई तब मेरी जिंदगी में आया था जो जो मुश्तंडा 12 इंच का वंड, जिसने भी मजेदार क्या चूता था। मेरे ख्याल से उसी ने सबसे पहली बार मेरे पीछे से, फिर आया अब्दुल्ला हमारा खान सामा, फिर दिल से, फिर डैडी का सेक्रेटरी सुब्रमण्यम। अरे हाँ, अजय और विजय के बारे में तो मैं तुम्हें बता रही, भूल गई। जुड़वा भाई, अजय मेरे आगे से लेता था और विजय पीछे से, और उनकी मम्मी वो हमें व्हील चेयर पर सामने बैठ कर देखा करती थी। Yeah.
Mm-hmm.